हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम लेकर आए हैं वीडियो चरणवे शिक्षक बहाली के बारे में कि चरणवे शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो है अब अंतिम चरण जो है चल रहा है या स्पष्ट रूप से जो है न्यूज में जो है ये आ चुका है कि अब चरणवे जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही थी अब वो समाप्त होने वाली है। कैसे समाप्त होने वाली है, क्या न्यूज पेपर में खबर आई है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको जो है बताने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। चरणवे शिक्षक बहाली में एक न्यूज जो है आप लोग कल पा चुके हैं और एक नोटिस भी जो है बिहार सिंचाई विभाग के माध्यम से संजय जी ने जो कि अपर सचिव हैं सिंचाई विभाग के, उन्होंने जारी कर दिया है नियुक्ति पत्र वितरण के संदर्भ में, जो कि लास्ट डेट उसकी जो है डिक्लेयर कर दी गई है कि 25 फरवरी 2022 को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका होगा उनको जो है नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो आज जो खबर प्रकाशित हुई न्यूज़पेपर में वो यह है कि 50,000 लगभग 50,000 सिलेक्टेड अभ्यर्थी, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो है काउंसलिंग हो चुका होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका होगा, तो ऐसे 50,000 अभ्यर्थी जो है हो रहे हैं, यानी कि 38,000 जो अभ्यर्थी थे जो पहले से ही काउंसिल किए हुए हैं और जो अभी 12-13,000 जो होंगे जिनका भी काउंसलिंग थर्ड फेज में होना है उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन होगा। तो ऐसे कुल मिला के लगभग जो है 50,000 अभ्यर्थी हो रहे हैं 1-5 में और 6-8 में मिला करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो इन लोग को जो है लगभग 50,000 शिक्षकों को जो है क्या दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो अब ये जो खबर जो आई है कि 50,000 शिक्षकों को जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो इसका स्पष्ट रुख ये है और स्पष्ट जो विश्लेषण है वो ये निकल के आता है कि अब सिर्फ 50,000 अभ्यर्थियों तक ही ये बहाली होगी, यानी कि थर्ड फेज के बाद जो छठे चरण की जो शिक्षक बहाली जो चरण की चल रही है इसका जो है अंत हो जाएगा और इस पे विराम लगा दिया जाएगा, यानी कि इस पे जो बची हुई सीटें हैं उनको अब आगे जो है चौथे चरण या पांचवें चरण की काउंसलिंग में जो है नहीं रखा जाएगा, उनको अब जो है सातवें चरण की काउंसलिंग के लिए जो है या सातवें चरण की जो बहाली आएगी उसके लिए जो है बचा के रखा जाएगा, ठीक है। और इस आशय की घोषणा भी जो है न्यूज बिहार चैनल पे और बिहार शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कर दिए, जो कि वीडियो मैंने अभी सुबह अपलोड कर दिया है तो आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि छठे चरण की जो प्रक्रिया थी चरण में शिक्षक बहाली को लेकर के वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, यानी कि वो फरवरी के लास्ट या मार्च के अंत तक बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और इस छठे चरण की बहाली पे विराम लग जाएगा। अब इसमें जो बाकी जो बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं जो कि चौथे चरण या पांचवें चरण काउंसलिंग की राह देख रहे थे, अब उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये अब थोड़ा सा सोचने का विषय है, लेकिन जो है फिर भी उनको जो है सातवें चरण का इंतजार करना चाहिए था क्योंकि लगभग 90,000 सीटों पर जो है फिर से वैकेंसी निकलेगी और उस पर जो है वो लोग भी आवेदन जो है देंगे जो लोग अभी जो है छूट गए हैं। तो सातवें चरण का आपको इंतजार करिए क्योंकि चरण में शिक्षक बहाली के छठे चरण का अब अंत हो चुका है। तो इस वीडियो में यही मुझे बताना था कि छठे चरण की जो प्रक्रिया है वो मार्च के अंत तक आप मान के चलिए बिल्कुल ये समाप्त हो जाएगी। अब बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार चरणवे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को थर्ड फेज की काउंसलिंग के बाद आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं रखती है और ना ही विचार कर रही, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी ये बात स्पष्ट कर दी गई है। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।